नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोटेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टू वे स्विच की मदद से कई सारे लाइटों को एक लाइन में वन बाय वन करके ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, समझ लीजिए कि एक गली है या एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं और दीवारें काफ़ी लंबी है, काफ़ी दूर तक है, और उस दीवार पे किसी एक तरफ की दीवार पे हर एक 5 मीटर की दूरी पे एक एक लाइट लगी हुई है। और उस लाइट को हमें कुछ इस तरह से कंट्रोल करना है कि हम एक लाइट को ऑन करके जैसे ही आगे बढ़े और दूसरे वाली लाइट को ऑन करने का जो स्विच हमारे सामने आए, और जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करेंगे तो आगे वाली लाइट जलेगी और साथ ही साथ पीछे वाली लाइट ऑफ भी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का वायरिंग कनेक्शन हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ही एक वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और मेरे चैनल पे पब्लिश भी है वो वीडियो, जिसमें मैंने सेम तरीका बताया हुआ है। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि मैंने एक टू वे स्विच की जगह पे दो टू वे स्विच लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी ऐसे लोगों को लगता है कि उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं पहले भी ये वीडियो बना सकता था, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा कि हम उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में हम किसी भी लाइट को बाद में ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं कभी भी, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसमें हम ऑन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे की लाइट ऑफ होते जाएगी, और फिर हम पीछे आके अगर चाहें कि दो लाइट को छोड़कर फिर ज़्यादा पीछे आकर किसी एक लाइट को ऑन कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होने वाला है। हम लाइटों को ऑन करते जाएंगे, पीछे की लाइट ऑफ होते जाएगी, आगे की ऑन होते जाएगी, और इस तरह से लास्ट में जाके क्या होगा, सारी लाइटें ऑफ या तो ऑफ हो जाएंगी या एक जलती रहेंगी लास्ट वाली और बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। और अगर हम चाहें कि वहाँ से डायरेक्ट दो चार लाइटों को छोड़कर पीछे आ जाए और पीछे आके एक लाइट को ऑन कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में जैसा मैंने बताया है उस वाले वीडियो में ऐसा पॉसिबल था, ऐसा हो सकता था, इसलिए मैंने उसमें दो टू वे स्विच एक जगह पे लगाने की बात बताई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी वो वीडियो देखकर अगर सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने उसमें दो टू वे स्विच क्यों लगाया था। तो चलिए, अब हम एक टू वे स्विच को लगाकर, एक जगह पे एक ही टू वे स्विच को लगाकर किस तरह से हम वायरिंग कनेक्शन करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, टू वे स्विच के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे एक वीडियो अभी भी है टू वे स्विच के बारे में। उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से टू वे स्विच के बारे में पता चल जाए, और तब जाके ये वीडियो देखिए तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। वैसे मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा टू वे स्विच के बारे में। आप जो टू वे स्विच यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे चार टू वे स्विच आपको दिख रहा होगा, और हर एक स्विच में अगर आप गौर से देखें तो हर एक स्विच के अंदर तीन डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तीन बूंदे हर एक टू वे स्विच के अंदर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। उन तीनों डॉट्स का मतलब ये है कि हर एक टू वे स्विच के तीन टर्मिनल होते हैं, और हर एक टू वे स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा किसी न किसी एक टर्मिनल से टच में रहता है, या तो ऊपर वाले टर्मिनल से टच में रहेगा, यानी बीच वाला जो डॉट होता है वो किसी न किसी डॉट से अंदर ही अंदर टच में रहता है, या तो ऊपर वाले डॉट से या फिर नीचे वाले डॉट से। उसमें पत्ती लगी रहती है, ब्लेड लगे रहते हैं, तो उसी के ब्लेड से वो उनमें टच में रहता है ताकि पावर को इधर से उधर कर सके, और जैसे ही हम उसकी स्थिति को चेंज करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो वो पावर को इधर से उधर लेके जाता है और एक ही पावर को दो रास्तों से चलाता है। तो ये होता है टू वे स्विच का काम। टू वे का मतलब ही होता है दो, दो रास्ता। तो ये बेसिकली वही काम करता है, एक पावर को दो रास्तों से चलाने का काम करता है टू वे स्विच। तो उम्मीद करता हूँ आप टू वे स्विच के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए हम सर्किट डायग्राम भी समझ लें कि किस तरह से हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और किस तरह से हमें इसका वायरिंग कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जितनी भी आपको लाइटें ऊपर दिख रही होंगी, सभी लाइटों के दो दो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, दो दो पिन,
तो हर एक लाइट के एक एक टर्मिनल को हमें क्या करना है, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। और न्यूट्रल से कनेक्ट करने के बाद तब हमें फेज़ की वायरिंग कनेक्शन करनी है, जो कि स्विच से होते हुए लाइटों से होते हुए फिर स्विच से होते हुए लाइटों से होते हुए आखिरी तक ऐसे ही होते जाएंगे। तो चलिए किस तरह से हम इसका करेंगे वायरिंग कनेक्शन वो समझ लेते हैं। डायरेक्ट मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये रहा उसका सर्किट डायग्राम। फाइनली सारे वायर्स के कनेक्शन कर दिए गए हैं। और ये जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पेन से क्या हुआ, इसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। ये कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब पहले बनाने के लिए किया गया था, लेकिन वो छोड़ दिया गया है। अभी जो आपको कलर में दिख रहा है, बस उसी को आप ध्यान में रख के चलिए कि किस तरह से हम यहाँ पे किया गया है, और उसी तरह से सेम आपको भी करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था कि न्यूट्रल को क्या करना है, सभी लाइटों के हर एक टर्मिनल से न्यूट्रल को कनेक्शन देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक लाइट में दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल में से एक एक टर्मिनल को न्यूट्रल से कनेक्शन दे दिया गया है यहाँ पे। अब दूसरे सबसे जो मेन है काम, वो होता है फेज़ का वायरिंग कनेक्शन। फेज़ का वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करना है वो ज़रा ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला जो स्विच होगा हमारा, जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ, वहाँ पे हमें क्या करना है, फेज़ को टू वे स्विच के बीच में कनेक्शन देना है। बीच वाले टर्मिनल में तीन टर्मिनल होते हैं, तो बीच वाले टर्मिनल में फेज़ का कनेक्शन देना है। और फिर नीचे वाले टर्मिनल से उठा के इस वाले बीच में, यानी कि दूसरे वाले बीच में, दूसरे स्थान के बीच वाले टर्मिनल में देना है। और ऊपर वाले टर्मिनल से हमें पहली वाली लाइट की कनेक्शन दे देनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद सेम उसी प्रकार चलते चले जाएंगी, फिर नीचे वाले टर्मिनल से, जैसा कि यहाँ से हमने उठाया था, सेम उसी तरह से यहाँ भी नीचे वाले टर्मिनल से दूसरे वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में, और ऊपर वाले टर्मिनल को लाइट में कनेक्शन देनी है। फिर यहाँ से नीचे से बीच में, ऊपर की लाइट में, फिर यहाँ से नीचे से बीच में और ऊपर की लाइट में। तो कुछ इस तरह से हमें वायरिंग कनेक्शन करना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें ऐसी इस प्रकार की वायरिंग कनेक्शन करनी है कि हम एक लाइट को ऑन करें। अब जैसे ही हमें इसको ऑन करेंगे, जैसे ही हम ये वाली ऑन होगी और यहाँ पे जैसे ही हम पहुँच के इसको ऑन करेंगे, तो ये वाली ऑफ़ हो जाएगी और ये वाली ऑन हो जाएगी। और फिर जैसे यहाँ पहुँचेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो ये वाली ऑफ़ हो जाएगी और ये वाली ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से ऐसे ये काम करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे इलेक्ट्रोटेक्निक को सपोर्ट मिलेगा, और आप लोग जितना ही सपोर्ट करेंगे उतना ही हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।